सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस न्यू वीडियो में कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं आपको। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये जो एडिटिंग है एकदम 3D है। आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि ऊपर से गिरा है आदमी तो दीवार को पकड़ लिया है। मतलब देखने से बहुत ही अट्रैक्टिव और अमेजिंग फोटो लग रही है। और जो एडिटिंग है आपको बहुत ही सिंपल तरीके में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। एंड मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप पहले ये जान लो कि आपको फोटो कैसे क्लिक करना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो आप दिख रहा है फोटो, आपको कैसे मैं फोटो क्लिक किया हूँ। आपको ऐसे ही फोटो क्लिक कर लेना है, या अपने छत पे फोटो क्लिक कर लेना, या आप आउटडोर पे फोटो शूट करने जाना तो ऐसे लोकेशन देख के फोटो क्लिक कर लेना। फोटो क्लिक करने के बाद अगर बैकग्राउंड अरेंज करना है, बैकग्राउंड अरेंज करने नहीं आ रहा है तो मैं उस पर वीडियो बना दिया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना बैकग्राउंड कैसे अरेंज करते हैं। सो गाइस, इस बैकग्राउंड को देख सकते हो, मैंने बैकग्राउंड को अपने से खुद से बनाया हूँ और आपको ओरिजिनल बैकग्राउंड दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड है ओरिजिनल है और मैं खुद से ये जो बैकग्राउंड को बनाया हूँ। तो सिंपली आपको बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और जो भी PNG यूज करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सिंपली इस बैकग्राउंड को शेयर करके पिक्सआर्ट में इम्पोर्ट कर लेना है। सो गाइस, बैकग्राउंड को मैं पिक्सआर्ट के अंदर लेके आ चुका हूँ। अब सिंपली हमको मॉडल, जो कटआउट मॉडल है, उसको हमको ऐड करना है। तो सिंपली ऐड फोटो पे जाएंगे और कटआउट मॉडल को सिंपली कुछ इस तरह से, और सिंपली इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर देंगे, कुछ इस तरह से सेट करना है। सो गाइस, आपसे मैं बता दूँ, आपको बहुत ही अच्छे से सेट करना है मॉडल को, जो है ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, ना ही ज़्यादा छोटा करना है, मीडियम में रखना है कि रियलिस्टिक लगे। तो कुछ इस तरह से सिंपली आपको देख सकते हैं मैं कैसे सेट कर रहा हूँ, आपको वैसे ही सेट कर देना है। एंड सेट करने के बाद डन कर देना है। एंड डन करने के बाद अब इसमें हमको कोई भी PNG वगैरह ऐड नहीं करना है, सिंपली इतना सेट करना है। एंड सेट करने के बाद सिंपली आप ये जो ऑप्शन देख सकते हैं इफेक्ट जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद ब्लर ऑप्शन पे आना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्लर है, ब्लर पे आपको यहाँ क्लिक करना है और ब्लर पे क्लिक करना है, और सिंपली ब्लर पे क्लिक करने के बाद इसका जो अमाउंट है आपको 10 रखना है। एंड इरेजर वाले ऑप्शन पे जाना है और इनवॉल्व पे क्लिक करना है, और सिंपली ये जो हैंड है इसको कुछ इस तरह से ब्लर कर लेना है। ब्लर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप जब भी फोटो क्लिक करोगे तो आपकी जो फोकस होगी फेस पे जाएगी, तो हैंड है जो ब्लर हो जाएगी, तो इसलिए मैं रियलिस्टिक के लिए ब्लर कर रहा हूँ। तो आपको भी सिंपली कुछ इस तरह से ब्लर कर लेना है। एंड डन कर देंगे, देख सकते हैं ब्लर कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 8 रख लेंगे हम लोग, 8 रखना है। एंड डन कर देंगे। सिंपली हम लोगों का पिक्सआर्ट में जो काम था पूरा फाइनल हो चुका है। अब हम इस फोटो को लेकर चलेंगे लाइटरूम में बैकग्राउंड से मैच करने के लिए। तो सिंपली हम ड्रॉ टूल्स पे आएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेव इमेज। तो गाइस, लाइटरूम ओपन करने के बाद आपको ऑल फोटो पे आना है और सिंपली इस फोटो को सेलेक्ट करना है। सो गाइस, आप इस फोटो को देख सकते हैं, मैं जो फेस को जो है स्मूथ किया हूँ। अगर आपको फेस स्मूथ करने नहीं आ रहा है तो मैं उस पर वीडियो बना दिया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इजीली देख लीजिएगा। तो सिंपली हम लोग का इसमें फर्स्ट जो स्टेप है सन वाला ऑप्शन, आप देख सकते हैं इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद इस फोटो में हमको थोड़ी सी जो कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट हम थोड़ी सी बढ़ाएंगे और हाईलाइट्स को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं कंट्रास्ट को मैं 15 रखा हूँ और हाईलाइट्स को 19 रखा हूँ। सिंपली शैडो को हम बढ़ा देंगे और 31 रखेंगे प्लस की ओर, और ब्लैक को हम थोड़ा सा कम करेंगे, -25 रखेंगे। सिंपली नेक्स्ट हम लोगों का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे आना है और इसमें आपको कुछ नहीं छेड़ना है। ऊपर आप देख सकते हैं डायरेक्ट मिक्स ऑप्शन में जाना है। इसमें आपको फर्स्ट जो कलर है रेड, इसमें सेचुरेशन आपको 11 रखना है, और ह्यू जो है ह्यू हम -8 रखेंगे, और सिंपली ये जो लुमियंस है लुमियंस को हम थोड़ा सा प्लस स्कोर कर देंगे, 13 रख लेंगे। और नेक्स्ट कलर है हम लोग का ऑरेंज, सिंपली इसका सेचुरेशन जो है थोड़ा सा हम कम करेंगे और लुमिनेंस जो है प्लस की ओर
16 रख लेंगे, रूम लेंस को 16 रख लेंगे, फेस गोरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का कलर है येलो, इसका सेचुरेशन हम पूरा कम कर देंगे। फिर नेक्स्ट कलर है ग्रीन, इसका भी सेचुरेशन हम पूरा कम कर देंगे। फिर नेक्स्ट कलर है सीएन कलर, इसका भी सेचुरेशन हम कम कर देंगे। फिर नेक्स्ट कलर है हम लोग का ब्लू कलर, इसका भी सेचुरेशन हम कम कर देंगे। इसका कुछ इतना रख लेंगे -62 और लुमिनेंस को -28 रख देंगे। सिंपली आपको कुछ इतना रखना है। एंड नेक्स्ट कलर है हम लोग का पर्पल कलर, इसका भी सेचुरेशन हम कम कर देंगे, सिंपली डन कर देंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग मिक्स टूल को यूज किया हूँ तो कितना अच्छा इफेक्ट आ चुका है मेरे फोटो में, बैकग्राउंड से भी मैच हो रहा है। और सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन में आना है और इसमें आपको क्लैरिटी जो है 12 रखना है और प्लस की ओर रखना है दोनों, डीएच भी आपको 12 रखना है। सिंपली आपको कुछ इतना रख लेना है और बिगनेट जो है बिगनेट को थोड़ा सा आपको माइनस की ओर करना है, 17 रखना है। और नेक्स्ट हम लोग का जो है फेदर, फेदर को हम थोड़ा सा हम प्लस की ओर 70 रखेंगे। और नेक्स्ट हम लोग का हो गया ग्रेन अमाउंट, ग्रेन अमाउंट हमको 20 रखना है सिंपली, और इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। इतना कुछ करने के बाद आपको यहाँ ऊपर देख सकते हैं स्लिप टोन पे आना है और यहाँ आप देख सकते हैं ब्लू पे यहाँ ह्यू जो है आप देख सकते हैं 240 रखना है और सेचुरेशन 8 रखना है। हाइलाइट्स में शैडो में जो आना है आपको देख सकते हैं ह्यू जो है 254 और सेचुरेशन जो है 1 रखना है। सिंपली आपको कुछ इतना रखना है एंड डन कर देना है। एंड डन करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन में आना है और इसमें नॉइज जो है आपके फोटो में जितना भी नॉइज होगा ख़त्म हो जाएगा। और फिर कलर नॉइज रेट को बढ़ा दीजिएगा, इस दोनों बढ़ाने के बाद जितने सारे नॉइज होंगे ख़त्म हो जाएंगे। तो सिंपली आपको कुछ इतना करना है। और नेक्स्ट है शार्पनिंग, शार्पनिंग जो डालने के बाद आपके फ़ोटो में बहुत ही क्लैरिटी और फोटो जो है HD दिखेगी, तो आपको शार्पनिंग डाल लेना है। और मास्किंग को हम बढ़ा देंगे और स्मूथनेस बढ़ाएंगे और थोड़ा डिटेल्स डाल देंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं अब नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन में आना है। आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको कर्व ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है और सिंपली लिफ्ट साइडो को यूज करना है। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है एंड डन करना है। डन करने के बाद थोड़ा सा कंट्रास्ट ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा हम कम करेंगे और शेडो जो है थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फोटो हो गया। अब बिफोर आपको दिखाता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बैकग्राउंड से मैच हो चुका है। आप देख सकते हैं फ़ोटो में कितनी अच्छी क्वालिटी भी आ चुकी है। आप देख सकते हैं फ़ोटो थोड़ी सी भी नहीं फट रही है, आप देख सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।